कुछ महीने के पहले मणिपुर में हुए घटना के कारण बहुत कोई अनाथ बन चुके हैं। एक या दो व्यक्ति के स्वार्थ लाभ के कारण बहुत कोई करोड़ों आज अनाथ है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। चमका सितारा सीजन 3 में आप सबों का स्वागत है। हम मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेंगे, आमीन। सबों को जय यीशु जिसमरांग। आज दिसंबर 14। आज के लिए प्रभु का वचन है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 18। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सुनो योहन्ना भाग्य संवाद 14 हटिंजरिया 18 कली। इन दो अपेदो बर्न टूअर ऑटो कपेया इन दो अपेटन रुवर्ड हिजुआ। आज इस दुनिया में अनाथ किए गए करोड़ों हैं, अनाथ बन चुके हैं बहुत। आज अनाथ आश्रमों में बहुत बच्चे हैं, अनाथ बूढ़े हैं। कुछ महीनों के पहले मणिपुर में हुए घटनाओं के कारण बहुत कोई आज अनाथ बन चुके हैं, बेसहारा है। रशिया और यूक्रेन के बीच में हुए युद्ध के कारण आज बहुत कोई अनाथ बन गया है। हमारे चारों ओर देखिए, जमीन जगह जमीन के लड़ाई के कारण लोग अनाथ बन गए हैं, बच्चे अनाथ बन गए हैं। इसे नबी के द्वारा आज प्रभु कहते हैं, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकते हैं? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। यही ईश्वर हमारा प्रभु सारे अनाथ बच्चों से, अनाथों से कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। शायद आपके पास कोई नहीं है, आपको देखभाल करने वाले कोई नहीं है, लेकिन आज आप ये बात सुनना है, आपका प्रभु वही यीशु जो हमें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा कहा, वही ईश्वर वही यीशु आपके पास आते हैं, आपको उद्धार करने के लिए आते हैं, आपके भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आते हैं। विश्वास कीजिए और प्रभु आपको उद्धार करेंगे। आइए भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत बार ये अनाथ की अवस्था हम भी अनुभव करते हैं। लोग रहने के बावजूद भी, परिवार होने के बावजूद भी, वही झुंड में भी कभी कभार हम अकेले बन जाते हैं, अनाथ बन जाते हैं। आध्यात्मिक अनाथ की अवस्था हम भी अनुभव करते हैं। हम भी ये विश्वास करें, हमारे लिए एक प्रभु है, एक ईश्वर है जो हमसे कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हम प्रार्थना करें, हे बालक यीशु, मेरे स्नेही राजा, मैं तुझे प्यार करती हूँ, मेरे दिल में आइए और मेरे जीवन में राज कीजिए। पाले जीसु इंजरन दुलड़िया राजा इन आमेन दुलड़े मिया इंजा ओन तो रही जुमे और इंजा जिंदगी रे राजो में, आमेन।